हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जियो फोन ऐप 220 के डेड सॉल्यूशन के बारे में, जो कि हमारा मोबाइल बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है और फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, ना इस सॉफ्टवेयर से हो रहा है। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि इसकी पावर IC है या EMMC है या इसका CPU ख़राब है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसका क्या चेक करना है और कहाँ से चेक करना है और कैसे इसको ठीक करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे स्टेप बाय स्टेप को। आपको ये वीडियो पूरी तरीके से देखना है, फुल वीडियो देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा कि इस मोबाइल को आप कैसे ठीक कर सकते हो। ऐसा मोबाइल आपके पास आता है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करके और कैसे ठीक कर पाओगे एग्जैक्टली तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास अभी F220 भी ब्लैक है, तो मैं मल्टीमीटर से चेक करता हूँ इसको। आपको बीप की रेंज में सेट करना है और चेक करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका इसमें बिल्कुल भी शॉर्टिंग नहीं है, तो यहाँ पर हमारा मोबाइल बिल्कुल ठीक हो रहा है और फिर भी इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो हम आपको बाकी में भी दिखा देते हैं कि इसमें क्या है, इसमें वहाँ थोड़ी सी शॉर्टिंग बता रहा है फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने इसको माइनस को इसके माइनस में लगा दिया और प्लस को, तो आप लोग देख सकते हैं पहले से ही 4 रीडिंग ले रहा है और इसको ऑन करते हैं, इसका पावर बटन दबाते हैं तो ये 15-16 जाता है और यहीं पर अटक जाता है। तो आपको ये कैसे पता करना है कि इसकी कौन सी IC ख़राब है और इसको कैसे बदलनी है, तो आपको इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे कि इसको कैसे ठीक करना है। और हाँ, इसको हमने कंप्यूटर से भी इसको सॉफ्टवेयर से चेक किया तो इस पर आ रहा है प्रोसेस ऑल डन, तो यहाँ पर प्रोसेस ऑल डन आ रहा है। तो उसको कैसे पता करना है, तो हमको कंप्यूटर से या लैपटॉप से चेक करने के बाद हमको, और इस बाकू से चेक करने के बाद हमको ये सीख मिली कि यहाँ से हमारा पावर IC है वो अपना लाइट ले रहा है। और इसके बाद आता है EMMC, तो EMMC होती तो यहाँ पर EMMC टाइप बताता, रीडिंग नहीं लेता और रीडिंग लेता वो छोड़ देता अगर इसका EMMC ख़राब होता। तो मान के चलो इसका CPU ख़राब है, ये वाला मैं अपनों को बता देता हूँ कि CPU ख़राब है इसका, तो हम ये CPU चेंज करेंगे पहले, अगर इससे नहीं होता है तो इसकी EMMC चेक करेंगे। इन दो में से एक IC को आपको बदलना है। मेरे ख्याल से इसकी जो CPU है, इस CPU ख़राब है, तो हम इसको बदलते हैं जल्दी से और फिर इसको चालू करके देखते हैं ये होता है या नहीं। फिर अगर ये इससे CPU से नहीं होगा तो हम इसकी EMMC बदलेंगे। तो इन दोनों में से IC में से एक IC किसी की ख़राब हो सकती है। तो हम सबसे पहले, मेरे को डाउट हो रहा है अगर EMMC ख़राब होता तो EMMC पे यहाँ पे जो रीडिंग ले रहा है ये लेकर वो छोड़ देता। तो सबसे पहले पत्ते को बाहर निकाल लेते हैं। तो हम इसको CPU को निकाल करके और इसको चेंज करेंगे। आपको अच्छी तरीके से इसको निकालना है, एक ही जगह हीट नहीं देना है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं हमने इसके CPU को निकाल दिया है। तो हम इसको रखते हैं साइड में और हम इसके बॉल को बनाते हैं अभी। तो आप लोग देख सकते हैं यहां हमारे बॉल पूरी तरीके से अच्छी तरीके से बन गए हैं। अब हम किसी दूसरी IC को ब्रेडबोर्ड में से निकालेंगे। तो मेरे पास दूसरा डेड फोन है तो मैं इसमें से इसका CPU निकालता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसका CPU निकल गया। अब हम ACPU डालेंगे इस वाले बोर्ड में जो हमको ठीक करना है। तो हम इसके जल्दी से बॉल बना लेंगे अभी IC के।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी फुल तरीके से बॉल बन गए हैं। अब हम इस आईसी को इसमें लगाएंगे, तो आप लोग को जैसी लगी है वैसी ही लगानी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मैं आप लोगों को एक तरीका लगाता हूँ, तो आपको इस साइड दिख रहा है एक आईसी बीच में बनी हुई है और यहाँ भी एक आईसी बनी हुई है, तो आप लोगों को ऐसी लगा देनी है इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी आईसी परफेक्ट तरीके से बैठ गई है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसको कूल होने देंगे। कूल होने के बाद इस पर हम इसको चेक करेंगे कि आईसी हमारी सही डली है नहीं। और आपको एक बात ध्यान रखना है, मल्टीमीटर से आपको चेक कर लेना है कि हमारा कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं आ रहा है। तो अभी तो कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, अभी थोड़ा ये गर्म है तो इसलिए थोड़ा रीडिंग कम बता रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हम इसको 10 से 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये खूब हमारा ठंडा हो गया। तो हम जल्दी से इसको डिस्प्ले लगा लेते हैं इसमें। तो दोस्तों हमारी डिस्प्ले डल चुकी है, अब हम इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी सही से आ रहा है, इसके 300 से लेकर 400 तक आना चाहिए, तो इसका ये सही आ रहा है। तो हम आप इसको बाकू से चेक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, हम यहाँ इसको आप चेक करेंगे, इससे बैटरी से चेक नहीं करेंगे, हम इसको बाकू से चेक करेंगे। इसको माइनस लगा लेंगे, ये मेरा टूट गया है। हम एक ट्वीजर से इसको ऑन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं फुल तरीके से ऑन हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल ऑन हो गया है, हम इसको बैटरी से ऑन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये बैटरी से भी ऑन हो गया, तो हम इसको जल्दी से ऑन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फुल तरीके से ऑन हो गया है। तो हमारा इसको कीपैड और इसको चेक कर लेते हैं हम जल्दी से। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसी तरीके से किसी भी जियो फोन को आपको चेक करके स्टेप बाय स्टेप आप ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।